आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट की तरफ से आ रही है। यहाँ पर गाइस, आप लोगों का जो डिपार्टमेंट रहने वाला है, जल मार्ग मंत्रालय रहने वाला है। तो गाइस, ये वैकेंसी जल मार्ग मंत्रालय की तरफ से आ रही है और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए। हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, फ्रेशर स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी लिंक आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही गाइस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को वहां पर सेंड करती रहती हूं। और साथ ही जो हमारी यूट्यूब से अपडेट छूट जाती है या फिर हम उसे अपडेट को नहीं दे पाते, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइस, हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट की तरफ से, वाटरवे की तरफ से ही आ रहा है। जलमार्ग मंत्रालय आप लोग का डिपार्टमेंट है और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रखी गई है, 1 ईयर की अप्रेंटिस रखी गई है। 1 ईयर की अप्रेंटिस बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए होती है, जिसमें हमारे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये गाइस 1 ईयर का प्रोग्राम रखा जाता है। इसके साथ में आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट रखी गई है, ग्रेजुएट वालों के लिए है। ग्रेजुएट वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, मैकेनिकल ब्रांच से हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, साथ ही सिविल ब्रांच वाले अप्लाई करेंगे। कैटेगरी वाइज आप लोगों की वैकेंसी को यहाँ पर अपोस्ट किया गया है, अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन रहेगा, 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्लोमा वालों की, जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट रहने वाली है। मैकेनिकल वाले अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले करेंगे, साथ ही सिविल वाले। टोटल पोस्ट 15 रखी गई है, जिसमें हमारे 1 साल का आप लोगों का जहाँ पर ड्यूरेशन रहने वाला है, 8,000 पर मंथ डिप्लोमा वालों के लिए स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों ने गाइस डिग्री करा है या डिप्लोमा करा है, फुल टाइम होना चाहिए। फुल टाइम आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं, और जो ब्रांच आपकी दी गई है उसी ब्रांच से डिप्लोमा और डिग्री कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। मिनिमम एज 18 रखी गई है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 27 है। यहाँ पर एक जो आप लोगों का जनवरी है, 1 जनवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाएगा। मतलब यहाँ 11 तारीख और जनवरी का मंथ आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कट ऑफ डेट रखी गई है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी रखा गया है। एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर 5 साल का रखा जाएगा रिजर्वेशन, और आप लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही एसपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हमारा 10 साल का दिया जाएगा। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी अलग अलग परसेंट के हिसाब से आपको दिया जाता है। सलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर सलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, मेरिट बेस्ड रहेगा। बात कर लेते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी तक आप लोगों ने कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब आप लोगों का जो नेट्स पोर्टल है NATS, इसे हम MHRD पोर्टल भी बोलते हैं, इस पे आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको करना होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है, कैसे करना है, ये मैंने वीडियो में बता रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, MHRD या नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो उस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही ईमेल आईडी पासवर्ड आप लोगों के पास होगा, उसे डालकर आप सभी को लॉगिन करना है। क्लिक एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू पे जाना है, देन फिर से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऑप्शन खुलेंगे, तो क्लिक फाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन आ जाएगा। रिज्यूम को अपलोड करना है, देन आप लोगों को फिर से चूज एस्टेब्लिशमेंट नेम। तो जब नेम चूज कराएगा, उसमें आप लोग का ये पूरा नेम आपको सर्च कर देना है, ये पूरा नेम। तो नेम क्या डालेंगे, या तो आप लोग ये वाला नाम डाल दीजिए या फिर खाली ये वाला नाम डाल दीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये वैकेंसी आ जाएगी, वहां पर अप्लाई का इधर साइन आ जाएगा,
जाएगा, वहां से क्लिक अप्लाई करना है और अप्लाई कर देना पूरा फॉर्म ओपन होने के बाद। लेकिन अगर आप लोग गाइज यहाँ पर आज ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 24 घंटे के बाद आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड आ पाएगा। तो ईमेल आईडी पासवर्ड आने के बाद तब आप लोग उसे अप्लाई करेंगे। तो लास्ट डेट आप लोगों की 20 जनवरी रखी गई है, 20 जनवरी 2023। इससे पहले पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा, जल्दी से जाकर कर दीजिए गाइज, आप लोगों की लास्ट डेट नज़दीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।